हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। बैंकिंग सिस्टम के दौरान हमें जैसे कि आज की क्लास में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एनपीए, पारा और बैड बैंक, ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको जैसे कि दिल्ली का हमारा जो क्लासेस है, तो दिल्ली लाइव क्लासेस ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा लाइव क्लासेस क्या होता है, पैरेलल चल रहा होता है। जो आप ये देख पा रहे हैं जो लाइव क्लासेस है, तो इन लाइव क्लासेस में आप क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपरली एग्जामिनेशन एक तरीके से कह लीजिए तो लाइव टेस्ट और क्विजेस करवाए जाते हैं। हमारे इसी प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस भी होता है। तो ये सारी हमारी इस प्लेटफॉर्म की खूबी और क्वालिटीज है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा एक अनअकैडमी का ऐप है जो भारत का एजुकेशन के हमें एक अनअकैडमी संस्थान, एक सबसे बड़ा संस्थान बन के उभरा है। तो अनअकैडमी का ऐप है जो आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का उसका इंटरफेस खुल के आता है। और वही जैसे कि मेरा नाम देवी सिंह है, मैं इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए हिस्ट्री ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है और ये अनअकैडमी का लिंक है। वहां भी मेरी पैरेलल जो ऐप में भी पैरेलल क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन करके देखिए। इसमें जैसे कि हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, तो आप अगर या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें हम ऐसे सब्जेक्ट चलाएंगे जो इसमें नहीं चल रहा होगा, यानी कि आप अपनी पढ़ाई को एक कम टाइम में और ज्यादा क्या कर सकें। इसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे प्लेटफॉर्म में करीब 100 से भी ज्यादा टॉप भारत की फैकल्टी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हमारे प्लेटफॉर्म की क्वालिटी है। आप जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। साथ में आप देखिए, कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाता है। पॉलिटी हिस्ट्री, जैसे कि पॉलिटी हिस्ट्री में आप देख रहे हो 15,000 से ज्यादा कोर्सेस हैं। इसमें से पॉलिटी हिस्ट्री में करीब 250-250 से ज्यादा कोर्सेस रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और इसको कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी अपकमिंग कोर्सेस हैं तो उनको एक कॉम्प्रिहेंसिवली और यानी एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट करवाया जाता है हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसमें जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको जो हिस्ट्री ऑप्शनल और पीटी और मेंस के लिए वो पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ और सोशियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जो इकोनॉमी इकोनॉमी में आप बहुत बड़ा श्रेय है, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए, आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने के लिए, एक समग्र तौर से पढ़ाई करने के लिए हमारा एक प्लान है प्लस का। इस प्लान से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं, देखिए यूपीएससी की परीक्षा लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा होती है। अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं, अगर आपने आरंभ परीक्षा यानी 12th पास की ही है और इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल से कितना 36 माह यानी 12 माह से लगाकर 36 माह तक का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत क्या होगा, फायदे का सौदा होगा, फायदेमंद होगा, और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि एक इस टाइम पीरियड में आपको फी भी बहुत कम है, घर से ही सारी सब कुछ पढ़ाई करना है, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है। तो इस पे आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मेरा एक ये कोड है, DBYT, आप नीचे जो शो कर रहा है, इस कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और अपना इसमें बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपका बेहतर ख्याल रखूंगा। अगर आप जैसे सब्सक्रिप्शन से आते हैं तो आपको स्पेशली सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो मेरे इनसे होंगी। साथ ही साथ इसमें से लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, ये सारी इसमें जो क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ये सब उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक आइकॉनिक से संबंधित प्लान है। इसमें भी आपको आपका जो वीकली स्टडी प्लान तैयार किया जाएगा, जो टॉप एजुकेटर होंगे उनके द्वारा आपसे मतलब डायरेक्ट उन्हें आपको असिस्ट किया जाएगा अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है। इसमें भी इस मेरे कोड को यूज करते हुए DBYT को 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और ये लाइव, इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्टडी, ये सारी चीजें क्या है इसमें आप देखोगे करवाई जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शनल के लिए भी सेम वही 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऑप्शनल के लिए ज्वाइन करते हैं, वैसे ही प्लान है, ये कोड है मेरा अगेन। इसके साथ साथ देखिए, हमारे इसमें से एक मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी एक बैटल होने वाला है। ये जो बैटल है एक तरीके से, ये जो कॉम्पिटिशन है, ये December 20 यानी आज 11 बजे जो हो चुका है ना। इसमें से कुछ कॉन्टेक्ट होंगे, 45 मिनट, 60 मिनट, 13 कॉम्बैट, आप इसमें से ज्वाइन करके और विनर बन सकते हैं और आप क्या है रिवार्ड जीत सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टू थर्ड रैंकर्स होगा उसको
3 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, या फिर उसको अमेजॉन गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा, या फिर अगर जो फोर्थ बुक 150 है उसको अमेजॉन गिफ्ट 1000 तक का दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप देखिए अगर यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं जो 2021 पे होना है, तो इसका टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना, 6 माह है। तो आप देखोगे इसको कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ बैचेस स्टार्ट किए हैं जो कि पीटी के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कुछ हमारे बैच जो कल से स्टार्ट है, 21 से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें से फुल सिलेबस कवर किया जाएगा कुछ टॉप एजुकेटर के माध्यम से। इसमें से हमारे भी जो सिलेबस, जो हमारे भी कोर्सेस होंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल होगा एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू जो गाइडेंस भी करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो कि ये आपको सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें से बेस एक अल्टीमेट यानी 6 मंथ के लिए अल्टीमेट जीएस एंड अगेन अल्टीमेट जीएस 1, ये 1 ईयर के लिए बैच है, अगेन ये 2 ईयर्स के लिए बैच है, ठीक है ना। तो जैसे कि और वही हम 21 दिसंबर से कुछ बैचेस स्टार्ट हैं हिंदी, हिंदी में, जैसे ये हिंदी में बाइलिंगुअल और इंग्लिश में, हाँ ठीक है ना। देखिए आइकॉनिक मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइकॉनिक के बहुत ज्यादा फायदे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप देखिएगा इसमें से कनेक्ट विद योर पर्सनल कोच, आपका पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी प्लानर की व्यवस्था है, बूस्टर सेशन और ये सारी चीजें। इसका रेट जल्दी हाइक होने वाला है, तो आप जल्द से जल्द जो DBYT कोड यूज है वो यूज करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। DBYT ध्यान रखिएगा, इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, है ना। और ये मेरी स्पेशल क्लास का जो स्क्रीनशॉट है, स्पेशल क्लास में जो क्लासेस हेल्ड होंगी आज दोपहर 2 बजे क्लासेस होगी, यानी 1 घंटे जस्ट बाद, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ये यूट्यूब का मेरा जो यूट्यूब का कोड है वो देवी वाई थी, यानी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड है, और ये SPDSC, ये क्या है, अनअकैडमी ऐप पे। तो आज जो हमें पढ़ना है प्राथमिकता प्राप्त जो ऋण क्षेत्र है, ठीक है। तो प्राथमिकता प्राप्त जो ऋण क्षेत्र है वो क्या है, वो कितने ऋण क्षेत्र हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम चलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, देखेंगे कि प्राथमिकता प्राप्त के लिए, देखिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का मतलब क्या है, कि वैसे क्षेत्र जो कहीं ना कहीं क्या है, वल्नरेबल क्षेत्र है, उनके आप देखोगे कि उनके लिए जो वल्नरेबल क्षेत्र है, मतलब एक तरीके से उन क्षेत्रों का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया है, लेकिन हमें एक अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए और जो आर्थिक विकास के लिए उन सभी क्षेत्रों को क्या करना होगा, हमें डेवलप करना होगा। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए, ठीक है। तो इसमें से RBI ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो एरियाज हैं उनको 8 सूची में क्या किया गया है, रखा गया है। जैसे कि मैंने बताया था आर्थिक विकास के लिए, तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, मैंने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट बताया था अपनी 2री और 3री क्लास में, उस समय मैंने बताया था कि देखिए हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद हम आर्थिक विकास हो जाए, क्योंकि आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है। आर्थिक विकास का मतलब ये है कि भाई जो बढ़ा हुआ उत्पादन है वो समाज के प्रत्येक तबके को पहुंचना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, जो हरित क्रांति की वजह से, हमारा खाद्यान्न तो बढ़ा, लेकिन खाद्यान्न बढ़ने के साथ साथ जो हमारी उम्मीदें थी वो भी पूरी हुई, लेकिन हम आज भी देश का बहुत ऐसा तबका है जो हम उसको खाद्यान्न नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, उस गरीबी उन्मूलन नहीं मतलब उन्मूलन नहीं कर पा रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ उतनी ही गरीबी लगातार व्याप्त होती जा रही है। तो इसके क्या कारण है, तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं इनको मजबूत करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या है, प्रावधान रखा गया। तो इनके लिए बेहतर क्या है, प्रायोरिटीज दी जाएगी, इन क्षेत्रों में जो बैंक होंगे वो पैसा जो लेंड करेंगे तो उनको प्रायोरिटीज दी जाएगी। उन क्षेत्रों में देखोगे जैसे कृषि, क्या है कृषि है, सूक्ष्म यानी लघु और उद्यम, ये 8 क्षेत्र आते हैं, उद्यम उद्योग निर्यात, ठीक है ना, ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और ये नवीनी जो नवीनकरणीय ऊर्जा है, ये सारी चीजें पीएसएल के अंतर्गत पीएसएल की सूची में आती हैं। वहीं आप देखोगे आरबीआई के प्रावधानों के अकॉर्डिंगली तो सभी व्यावसायिक बैंकों यानी सभी कॉमर्शियल बैंकों को स्थानीय और विदेशी यानी भारतीय बैंक और विदेशी बैंकों के लिए
अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का यानी एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट का यानी एएनबीसी का 40% क्या करना है उनको पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा लेंड करना है, ठीक है। और वही आरआरबीज के लिए और जो छोटे वित्तीय बैंक हैं यानी स्मॉल फाइनेंसिस बैंक हैं उनके अपने टोटल देनदारियों का 70% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उनको अनिवार्य करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भाई ये जो ये सेक्टर है ये एरिया है इस एरिया में ये वल्नरेबल एरिया है, यहाँ पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग से ही प्रारंभिक अवस्था से ही बैंक या फिर वित्तीय संस्थान कतराते रहे हैं इस क्षेत्र को ऋण देने से, तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं एक तरीके से कमजोर हो गया और इस क्षेत्र का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया। और इस क्षेत्र का विकास ना हो पाने से हम जो हमारी एक अवधारणा है समावेशी सतत विकास और उसके साथ साथ आर्थिक विकास की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमें अपने सभी क्षेत्रों को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा और सभी क्षेत्रों में ऋण देना ये क्या होगा, जरूरी होगा। तो इस वजह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या आया, कॉन्सेप्ट आया। इसी के चलते जब ये कॉन्सेप्ट आया तो देखिए आप ही समझिए कि अगर यहाँ रिस्क है, इन क्षेत्रों में रिस्क है, क्यों रिस्क है? हालांकि मैंने इस रिस्क के बारे में कल भी बताया था कि भाई हमारी जैसे कृषि की बात करें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की बात करें, यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं होती है, यहाँ बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं लोग होते हैं, यहाँ नवाचार नहीं होता है, शिक्षा नहीं होती है। तो इन क्षेत्रों में अगर हम पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियस ये क्या हो जाएंगे, ये क्षेत्र इमर्ज हो जाएंगे और देश के विकास में ये क्या करेंगे, सहयोग देंगे। तो पहले से अब इनमें पहले से ही डूबने के चांसेस है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा न ही प्रबंधन की सुविधा बेहतर है न ही मैनेजमेंट बेहतर है, एक बस काम चलाऊ चीजें हैं। तो जो बड़ा बड़ा बैंक है या जो वित्तीय संस्थान है वो इन क्षेत्रों में ऋण देने से कतराते रहे हैं। तो अगर ऑब्वियस है अगर हम पे निर्णय हमारे पे छोड़ दिया जाए, हमारी इच्छा पे छोड़ दिया जाए तो शायद हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र में ऋण नहीं देंगे। तो इसके लिए एक प्रावधान किया जाता है एक यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का। तो ये जो प्रावधान है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का, ये प्राथमिकता वाले यही जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो क्षेत्र है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को दिए जा रहे हैं, इन क्षेत्रों को और आकर्षक बनाने के लिए क्या है, जो इन क्षेत्रों में ऋण दिया जाना है उसको बेहतर करने के लिए, इन क्षेत्रों में ऋण को और आकर्षक बनाने के लिए रघुराम राजन जी के नेतृत्व में एक कमेटी का मतलब एक समिति बिठाई गई। उस कमेटी का जो नेतृत्व है रघुराम राजन जी कर रहे थे और इसका एक नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अ 100 स्मॉल स्टेप्स, मतलब समिति का नाम दिया गया। इसमें कहा गया कि जो जो भाई प्रायोरिटी वाला क्षेत्र होगा, तो प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र में जो लिए एक ऐसी व्यवस्था करी जाए कि इस क्षेत्र में जो दिया जाने वाला ऋण है उन तो बैंकों की ये बेहतर लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इस समिति ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका उस कॉन्सेप्ट को कहा गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी कमेटी ने दिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 100 स्मॉल स्टेप नाम रहा और इसको लीड कौन कर रहा था, इसको लीड रघुराम राजन जी कर रहे थे। हाँ मैं लिख के बताता जाता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताया जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का एक कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। देखिए ये प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत मैंने जैसे कि बताया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ऋण को और आकर्षक बनाने के लिए, ऋण को आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए क्या करी गई, इस ऋण को बेहतर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए एक अवधारणा लाई गई। क्या है? एक अवधारणा लाई गई। इस अवधारणा को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट कहा गया, इसको क्या कहा गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। इस अवधारणा के अंतर्गत कहा गया कि भाई ये सर्टिफिकेट है, ये जो बैंकों ने इस क्षेत्र में, ये जो प्रायोरिटी पीएसएल के क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा जो पीएसएल के क्षेत्र हैं, जो ये वल्नरेबल हैं, इन क्षेत्रों में जिन बैंकों ने क्या किया है, ज्यादा ऋण दिया है,
जिन बैंकों ने क्या दिया है, जो ऋण देने की सीमा थी उस सीमा को पार कर गए हैं, सीमा को पार कर गए हैं, पार कर गए हैं। तो उनके प्रोत्साहन के लिए, ध्यान रखिएगा, उनके प्रोत्साहन के लिए आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट जारी किया, एक अवधारणा ले आई, पीएसएलसी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसमें जिन बैंकों ने ज्यादा ऋण दिया है वो क्या करेंगे, वो बैंक एक सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे, और ये बैंक उन बैंकों को सर्टिफिकेट जारी करेंगे जो उस समय क्या है, निर्धारित किया गया है, एक सीमा बनाई गई है। मान लीजिए अभी मैं बताऊंगा, जैसे सीमा कितनी, 40% की सीमा है प्रायोरिटी, मतलब इन क्षेत्रों में ऋण देने की, सभी बैंकों की, कमर्शियल बैंकिंग की, जो भारतीय और विदेशी बैंकों की। तो मान लो कि बैंक पीएनबी है, यहाँ पे एक बैंक पीएनबी है और एक बैंक एसबीआई है। ध्यान से सुनिएगा, पीएनबी ने इस क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर या पीएसएल का क्षेत्र है, यहाँ से पीएसएल का क्षेत्र है, पीएसएल का क्षेत्र है, पीएनबी ने इस क्षेत्र में कितना ऋण दिया, इस क्षेत्र में अपने टोटल ऋण का 50% ऋण दिया, दिए गए ऋण का 50% ऋण दिया। वहीं एसबीआई ने टोटल दिए गए ऋण का यहाँ 30% ऋण दिया। तो भाई ये तो मैंने ठीक वैसे ही बताया कि जब ये वल्नरेबल क्षेत्र है, यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो यहाँ बैंक ऋण देने से कतराएंगे। तो आरबीआई ऐसा कुछ तो नियम लेके आएगा ताकि इनके क्या किया जा सके, इन बैंकों के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहन का काम किया जा सके। तो इन बैंकों ने 50% का ऋण दिया, और देखिए तो इनके प्रोत्साहन के लिए आरबीआई ने एक सर्टिफिकेट जारी करने की बात करी, क्या सर्टिफिकेट। तो ये बैंक है ना, ये सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे, कौन से बैंक, जैसे कि पीएनबी ने 50% ऋण दिया जिसको 40% देना था, और देखिए इन्हें जो ऋण देना था एसबीआई को 40%, वो अपने देनदारी से क्या है, इस क्षेत्र में ऋण नहीं दे पाया, चूक गया। एसबीआई कहती है भाई हमारे इस क्षेत्र को भी तो डेवलप करना जरूरी है, ठीक है ना, समावेशी विकास के अंतर्गत, तो इस क्षेत्र को भी अगर डेवलप करना है तो आपको भी, आपके लिए भी नियम कानून लागू होते हैं, आपको भी 40% देना होगा। इसे क्षेत्र बोलता है, एसबीआई बोलता है कि सॉरी अगली बार से नहीं होगा। तो बैंक बोलेगा कि भाई देखिए ये ऑफिशियल वर्क है, ठीक है, ये चीजें सारी ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा, सॉरी बोलने से आपको पेनाल्टी देनी होगी। तो बोलते हैं कि ठीक है हम करते हैं, अगर पेनाल्टी देनी होगी या फिर इसके लिए कोई आप बीच का रास्ता निकाल लो। तो उसने कहा कि चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, तो इसमें साथ साथ ये जो क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन भी हो जाएगा, तो वो बैंक जो ज्यादा ऋण इस क्षेत्र में दिए हैं वो एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, क्या करेंगे, वो एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, किनको जारी करेंगे, जिन्होंने अपने उस सीमा से कम ऋण दिया है जितना कि देना था। ये जो सर्टिफिकेट जारी होगा वो उतने अधिशेष के बराबर होगा, उसके सरप्लस के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लो ये जो सर्टिफिकेट अगर ये बैंक जारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किनको, ये जो पीएनबी है इनको सर्टिफिकेट जारी करेगा, तो अब इनको पेनाल्टी नहीं आरबीआई को देनी पड़ेगी, और ये सर्टिफिकेट ये उतना जितने का जारी होगा, मान लो कि ये मिनिमम 25 लाख का जारी होगा, ध्यान रखिएगा मिनिमम ये 25 लाख का जारी होगा, तो ये जो सर्टिफिकेट पीएनबी जारी करेगा तो किसको, एसबीआई को, एसबीआई इसको कितना देगा, 25 लाख से ज्यादा देगा। ना बार्गेनिंग होगी 25 लाख से ज्यादा, क्यों, क्योंकि देखिए इसने तो ऑलरेडी पैसा दे रखा था ना, इसको तो पेनाल्टी से बचना है, तो इसकी मजबूरी है खरीदना। तो ये तो उसमें मुद्रित होगा जो सर्टिफिकेट में, उसके उच्च दर पे बेचा जाएगा सर्टिफिकेट। तो ये जो एक्स्ट्रा रुपया होगा ये उस बैंक का जो ऋण ज्यादा पीएसएल क्षेत्र में दिया है उसका क्या हो जाएगा, ये उस क्षेत्र का प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट का प्रोत्साहन भी हो गया कि भाई जो बैंक नहीं दे रहे हैं तो उनको एक तरीके से आप समझ लो कि ये क्या है, पेनाल्टी ही है, लेकिन वो आरबीआई की पेनाल्टी नहीं, आरबीआई की पेनाल्टी हो सकता है इससे ज्यादा, वो ज्यादा है ही, तभी ये लोग सर्टिफिकेट खरीदते हैं। ये जो सर्टिफिकेट जारी होगा, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 25 लाख और उसके मल्टीपस पे होगा, मतलब जैसे कि 50 लाख का हो सकता है, 75 लाख का हो सकता है, एक 1 करोड़ का हो सकता है, ठीक है ना, मतलब उसके मल्टीपल पे जारी होगा। 63 लाख का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, 35 लाख का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, मिनिमम 25 लाख का होगा और उसी के मल्टीपल उसके गुणज में जारी किया जाएगा, कितने, उसी के गुणज में जारी किया जाएगा। ठीक
ठीक है। तो ये बैंक जो खरीद के, जैसे एसबीआई ने ऋण देने से चूक गई थी, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो अगर ऋण देने से चूक गई थी एसबीआई, तो ऑब्वियस है ये सर्टिफिकेट लेके अपने जो उस कोटे को पूरा कर लेगी, उस कोटे को क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आरबीआई को इसको पेनाल्टी भी नहीं देना होगा। तो ये है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट। ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट। अब ये जो क्षेत्र, और इसका देखोगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में चार क्षेत्रों में ऋण दिया जाएगा, वो कितने, चार क्षेत्रों में ऋण दिया जाएगा, जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो सर्टिफिकेट चार क्षेत्रों में जारी किया जाएगा, चार प्रारूपों में जारी किया जाएगा। जैसे कि चार प्रारूप क्या क्या होंगे, इस पे आप देख लीजिए, ये चार प्रारूप कृषि से संबंधित होगा। एक क्या होगा, कृषि से संबंधित होगा, कृषि से संबंधित, संबंधित। दूसरा क्या होगा, कृषि से संबंधित और लघु किसानों के लिए, यानी सेम लघु किसानों के लिए, लघु किसानों के लिए। तीसरा होगा सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों से संबंधित, यानी सूक्ष्म औद्योगिक, औद्योगिक इकाइयों से संबंधित, इकाइयों से संबंधित। और जो चौथा होगा वो अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो सकते हैं। क्या है, अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो सकते हैं, अन्य प्राथमिकता वाले। ध्यान रखिए ये सारी चीजें क्या होंगी, एसपीचारी होंगी, संबंधित होंगी, ठीक है ना। तो आपने प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट देखा। देखिए एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें से जैसे कि आपने देखा होगा सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान। तो ये जो है एक्चुअल में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसे किसे कहा जाता है, इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वैसे तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो उसे लिख लिया करिए, ठीक है। इसमें से जैसे किसानों का, जो किसानों का वर्गीकरण, किसानों का वर्गीकरण, वर्गीकरण कई बार आता है ना, बहुत सारी सरकार की आपने देखा होगा कि पॉलिसीज आती हैं, बोलते हैं कि ये मध्यम किसानों के लिए, लघु किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए है, बड़े किसानों के लिए नहीं है। मतलब क्या है यहाँ, और खास करिए जब इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के दौरान जब कर्ज माफी चल रहा होता है ना लोन वेपर, तो उस समय ये सारी चीजें ज्यादा चर्चा में होती हैं, है ना। देखिए जो लेस देन 1 हेक्टेयर जिसके पास जमीन होगी, यानी 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, कितनी, अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उसको सीमांत किसान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सीमांत, मार्जिनल फार्मर कहा जाएगा, सीमांत किसान, ठीक है। क्या कहा जाएगा, सीमांत किसान कहा जाएगा, मार्जिनल फार्मर कहा जाएगा। वहीं जिसके पास अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के पास, ये हेक्टेयर है हाँ, 2 हेक्टेयर के पास जमीन है, उसको लघु स्मॉल फार्मर कहा जाएगा, लघु किसान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु किसान कहा जाता है, स्मॉल फार्मर कहा जाता है। जिस भी किसान भाई के पास 2 से 4 बीघे, सॉरी हेक्टेयर जमीन है, 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है, उसको अर्ध मध्यम, क्या, अर्ध मध्यम किसान कहा जाता है। ये मैं एक बार आपको और बताऊंगा, कब, जब आपको मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बस यहाँ लिख लीजिए इसे याद आके, ठीक है। ये भी 4 to 10, और जो 10 हेक्टेयर की अगर बात है, ये तो मध्यम वर्ग का किसान होता है, क्या होता है, मध्यम किसान कहा जाता है, मध्यम किसान कहा जाता है, किसान कहा जाता है। कि आज से आवाज एकदम सही हो गई होगी, पहले आवाज सही नहीं था, है ना। तो मैंने माइक का प्रॉपर यूज किया है, अब इसमें किसी भी प्रकार से आवाज की कोई फंसने की ये फंसने की गतिविधि नहीं देखने को मिलती होगी, आवाज एकदम क्लियर होगी। वहीं आप देखोगे कि 10 हेक्टेयर जो इससे ज्यादा, मोर देन, अगर 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनके पास जमीन होती है उनको बड़े किसान की श्रेणी में रखा जाता है, किसके, बड़े किसानों की श्रेणी में रखा जाता है, बड़े किसानों की श्रेणी में, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। किसानों का जो वर्गीकरण है उनकी श्रेणियों के अनुसार इस वर्गीकरण को आप ऐसे
बांट के देख सकते हैं। और कई बार ये चर्चा में होता है, हालांकि इकोनॉमी में जब एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ाऊंगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ही पार्ट है, मैं आपको ये डिटेल्स बताऊंगा कि भाई जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, ध्यान रखिएगा, जिस भी किसान के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा कम जमीन है, वो मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल फार्मर कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश से भी लिख देता हूं, मार्जिनल फार्मर कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको स्मॉल फार्मर कहा जाता है। ये सेमी मीडियम फार्मर कहते हैं इसको, जिसके पास जमीन 2 से 4 हेक्टेयर होती है, सेमी मीडियम, ठीक है, फार्मर। इसको मीडियम फार्मर कहा जाता है, मीडियम फार्मर। और इसको क्या कहा जाता है? बिग फार्मर, ध्यान, ठीक है। ये इस तरह से कुछ इसका वितरण किया गया है। अगला हमारा सब हेडिंग है नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। क्या है? नरसिम्हम कमेटी के कुछ यानी जो नरसिम्हम कमेटी है, तो नरसिम्हम कमेटी के कुछ सुधार हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसको देख लेते हैं। हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट में मैं एक चीज भूला जा रहा था। देखिए, जब ये सर्टिफिकेट अब कहाँ से बेचा जाएगा, इसकी जो ऑसनिंग होगी, नीलामी होगी, तो इसकी ऑसनिंग नीलामी ई कुबेर नामक प्लेटफॉर्म पे करी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसकी ऑसनिंग और नीलामी जिसके पास सब मतलब ये जो सर्टिफिकेट होगा और जिसको जारी किया जाएगा, तो मतलब जो जो खरीदेगा, एक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, तो फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये वही होगा। ओके, बैंकिंग सुधार के अंतर्गत अगर आप देखते हो, ये चारों प्रारूप है जो मैंने अभी आपको बताया था। बैंकिंग सुधार के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में 1999 में आर्थिक संकट के उपरांत आप देखोगे कि सुधार के उद्देश्य से एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ये जो समिति का गठन है, तो क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना, इसके साथ साथ इसमें से कई और संस्तुतियां दी गई और इनके अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया। जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया, आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, मतलब आप उस टाइम जैसे कि आप अपने सीनियर से पूछेंगे, या ये आपके इरा अब तो मर्जर बैंकों का चल रहा है, पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन आप अपने बाप दादाओं से पूछेगा, यानी बाप दादाओं से पूरा नहीं मान जाइएगा, हमारे इधर पिताजी को बाप बोलते हैं, है ना। यानी बाप दादाओं का मतलब ये है कि आप अपने जैसे पिताश्री से बोले पूछिएगा, आप अपने दादाजी से बोलिएगा पूछिएगा, तो उस समय बैंकों का क्या है, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हो रहा था। तो राष्ट्रीयकरण में होता क्या है कि बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के दौरान सभी बैंक सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं, और जब सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं, तो प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। निजी क्षेत्र का प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से यहाँ समाप्त होने लगती है। इसके कारण इनकी गुणवत्ता भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जब गुणवत्ता प्रभावित होगी, तो इनका जो एनहांसमेंट है, समृद्धि भी क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर के चलते। जब बैंकिंग सेक्टर प्रभावित होगा, क्योंकि गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी, तो फिर समृद्धि भी प्रभावित होगी। तो बैंकिंग सेक्टर में यानी रिफॉर्म के लिए नरसिम्हम साहब थे, ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, तो नरसिम्हम साहब के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। ये 2 बार कमेटी का गठन किया गया, एक 1991 में और 1998 में। तो इनने कुछ संतुतियां दी, इनने क्या किया, इनने कुछ अपनी जैसे संतुतियों के माध्यम से आप कह सकते हैं, इनने कुछ सुझाव दिया। तो सुझाव इनके कुछ इस प्रकार थे। नरसिम्हम साहब ने कहा अपनी पहली समिति के जो कुछ सुझाव थे, कि 1951 में जब नरसिम्हम साहब ने अपनी समिति में कुछ सुझाव प्रस्तुत करे, तो कहा जो बैंकों का नेशनलाइजेशन आप कर रहे हो, आरबीआई के लिए बोल रहा है कि इसकी प्रक्रिया को आप पूरी तरीके से रोक दो। क्यों? क्योंकि भाई नेशनलाइजेशन कर देते हो, तो जो कंपटीशन है निजी बैंकों के साथ, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बैंकों का जो हेल्थ है, ठीक है, बैंकों का स्वास्थ्य वो प्रभावित होता है। उसके चलते जब बैंकों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जब पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी भी नहीं बढ़ती है। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल इससे सारी चीजें जुड़ी थी। तो नरसिम्हम साहब ने कहा कि जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है, उसको अब आप बंद कर दीजिए। इंदिरा गांधी जी के टाइम में आप देखोगे, ये पूरा टिकट बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1969 में 14 बैंकों को मर्ज करते हैं,
बाद 90 में सिक्स और बैंकों का नहीं, नेशनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मर्ज नहीं, अगेन सॉरी, वो 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर देते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी जी, इसके बाद 8 वर्षों के बाद 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो इरा होता है, ये पूरा डिकेड होता है, ये नेशनलाइजेशन का डिकेड होता है, ठीक है। वो देखिए, अगर कहा जाए, देखिए मैं राजनीति पे कभी मेरा कोई कमेंट नहीं होता है, सरकार किसी की रहे, हम तो एक तरीके से हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का मतलब कि हमारा काम कुछ और है, ठीक है, राजनेताओं का काम कुछ और है। तो हम स्टूडेंट और एक एजुकेटर की हैसियत से हम कभी कमेंट नहीं करते हैं, खासकर पॉलिटिक्स पे। लेकिन अगर समाजवादी की बात करी जाए, तो कहा जाता है कि भारत में अब तक राजनेताओं में सबसे ज्यादा समाजवादी राजनेताओं में अगर कोई थे तो नेहरू साहब थे, और नेहरू से भी ज्यादा समाजवादी इंदिरा जी हो गई थी। उसी समाजवादी के दौर में आप देखोगे इंदिरा जी ने कई बड़े बड़े बैंकों का क्या कर दिया, जो निजी बैंकों का नेशनलाइज। तो नरसिम्हम साहब जब 1991 में आर्थिक संकट हो जाता है, और इसके बाद आर्थिक संकट आप लोग पता है कि 1991 में फिर एलपीजी की कॉन्सेप्ट लाया जाता है, एलपीजी की अवधारणा लाई जाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हम सारी चीजों को कोशिश करते थे इनको क्या करना, मतलब सारी चीजों का नेशनलाइजेशन करना, ये सारी चीजें। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को बंद करने की सलाह दी नरसिम्हम साहब ने अपनी पहली कमेटी के सुझाव 1991 के अंतर्गत। साथ इन्होंने कहा कि भाई जो सभी बैंकों की सभी शाखाओं को आप पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर दीजिए, और उसी कंप्यूटराइज के साथ देखिए जो डेटा एरर का समस्या चला जाएगा। उस समय कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था, तो बहुत ज्यादा इसमें से अनियमितताएं देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरा इनका तीसरा सुझाव ये था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो सभी के लिए जो रूल्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। मतलब सरकारी बैंकों को आप एज दे रहे हैं, प्राइवेट बैंकों को एज नहीं दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से जो निजी क्षेत्र का बैंक है या किसी भी प्रकार का बैंक है, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये नरसिम्हम साहब कहते हैं अपनी इस 1991 की समिति के सुझाव के आधार पे। इसमें उन्हें इस वजह से कहते हैं कि भाई देखिए, प्राइवेट बैंक क्या होते थे, सरकार को ऐसा उस टाइम लगता था कि जो ये बैंक है कहीं ना कहीं अनियमितताएं कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इनपे जो नियम और कानून थे वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली बनाए जाते थे। तो नरसिम्हम साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करिए आप, सभी को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, सभी को इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ इनमें कहा कि कुछ भारतीय बैंकों को आप ऐसा डेवलप करिए कि वो विश्व स्तरीय के हों, विश्व स्तरीय मतलब वो वर्ल्ड लेवल के हों, ग्लोबल लेवल के हों, ठीक है। उन्होंने कहा दूसरा कि भाई ये SLR और CRR को भी कम करो, ठीक है, ताकि बैंकों के कारोबार के लिए पैसा ज्यादा बचे। देखिए, जब SLR CRR हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां मैं डिटेल से SLR CRR बताऊंगा, बस थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि ये टर्म्स आपको समझ आ जाए। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो और इसमें कैश रिजर्व रेशियो, ये एक प्रकार का वैसा अनुपात होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार RBI टाइम टू टाइम इसको चेंज करती रहती है, और जो जमाकर्ताओं के पैसे की सिक्योरिटी के लिए RBI के पास ये दोनों मतलब जो रेट उस समय चल रहा होता है CRR SLR का, तो RBI के पास बैंकों को कुछ धनराशि रखनी होती है, तो उसी को SLR CRR, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैंने इसका एक ओवरऑल क्या है, एक ओवरव्यू दिया है कि ये है क्या, ये समझ लो SLR CRR से जितना इसका रेट बढ़ेगा उतना बैंकों के पास कम धनराशि बचेगी अपने कारोबार करने के लिए। तो नरसिम्हम साहब कहते हैं कि भाई ये जो आप SLR CRR बहुत ज्यादा बढ़ा के रखे हो, ठीक है कि लोगों का पैसा है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन बैंकों को भी तो अपने कई काम करने होते हैं, उन्हें ऑपरेशनल कास्ट, उन्हें कितने प्रकार की कॉस्ट आती है, तो उनको भी, और लाभ बनाना उनका फाइनली उद्देश्य भी है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो जो SLR CRR है इसको आप कम कर दो, क्योंकि ये जो SLR CRR का वो उपयोग नहीं करते हैं, बैंक नहीं कर पाते हैं, और ये उनके टोटल NDTL से, नेट डिमांड कम लाइबिलिटी से, कुछ पैसा क्या हो जाता है, ये पैसा अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है। तो इस वजह से नरसिम्हम साहब कहते हैं कि भाई ये जो प्रक्रिया है,
एसएलआर सीएलआर को आप क्या कर दो, कम कर दो। साथ ही इन्होंने एक और कहा कि जो लाभ में चल रहे हैं जो पब्लिक क्षेत्र के बैंक है, पब्लिक सेक्टर के जो क्या है बैंक्स है, उनका उनपे किसी प्रकार से किसी भी मतलब जो बेहतर अच्छा वर्क कर रहे हैं तो वैसे बैंक का आप इसमें मर्जर मत करिए कि जैसे कि उसका हेल्थ प्रभावित हो, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें और ये कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है जो खासकर लाभ में चल रहे हैं उनको शेयरों की बिक्री में पूंजी प्राप्त करने की भी अनुमति दी जाए, उनको शेयर मार्केट में लिस्ट करवा के ताकि वो अपना और ज्यादा एक्सपेंशन विस्तार कर सके। तो ये सारे सुझाव नरसिम्हम साहब अपनी 1991 की समिति में के आधार पे देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि जो जमा राशि पर बैंकों के द्वारा जो दिया जाने वाला जो ब्याज है वो आरबीआई उसे कंट्रोल ना करे, बल्कि बैंकों के लिए इसको पूरी तरीके से फ्री छोड़ देना चाहिए, बैंकों के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ये बाजारी दरों पे बाजारी ताकतों पे छोड़ देना चाहिए, बाजार इसको डिसाइड करे कि कितना मतलब इंटरेस्ट रेट होना चाहिए कितना इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, इसमें आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये सारे सुझाव सारे रिफॉर्म देते हैं, अभी यहाँ खत्म नहीं होते हैं। आरबीआई के यही नरसिम्हम साहब जो गवर्नर होते हैं ये बोलते हैं कि भाई जो कमजोर बैंक है उनका विलय मतलब मजबूत बैंकों के साथ ना करो, क्योंकि आप देखोगे कि उनका जो कमजोर बैंक है जिनका एनपीए बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है तो जो दूसरा बैंक है अच्छा बैंक है उसके भी हेल्थ को प्रभावित किया जाता है। वहीं इनने ये कहा कि जो प्राथमिकता जो प्रायोरिटी वाला एरिया है जो सेक्टर है जो कि मैंने अभी बताया, प्रायोरिटी वाले सेक्टर में 40% का एक सीलिंग क्या कि 40% को अब मैंडेटरी कर दिया गया है, उसको घटा दो, उसको 40% से घटा के 10% कर दो, क्योंकि बैंकों के पास अगर किसी क्षेत्र में पैसा 40% दे देंगे तो और भी तो बाकी के तो क्षेत्र हैं और भी तो पैसा देना है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि नरसिम्हम साहब ने सुझाव देते हैं, ये सारी चीजें नरसिम्हम साहब सुझाव देते हैं अपनी 1991 की समिति पे, ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्होंने देखिए इसमें ये कहा गया इसी के अंतर्गत जो इनके सुझाव थे के सुझाव में आप ये कह सकते हो कि इन्हें जो 40% का ये एक सीलिंग है या 40% जो मैंडेटरी है, ये भारतीय ध्यान रखिएगा भारतीय और विदेशी बैंक, वो विदेशी बैंक जिनकी भारत में 20 से ज्यादा शाखाएं हैं और भारतीय बैंकों के लिए 40% का क्या रखा गया, ये रखा गया था। और उस 40% में वो बैंकों को जिनका मतलब है जैसे कि भारत में जिन बैंकों की जो शाखाएं जैसे कि 20 से ज्यादा शाखाएं हैं भारतीय बैंकों की, तो उनको इस 40% में एक निश्चित हिस्सा 18% करीब अपने कृषि क्षेत्र में देना था। तो ये सारी चीजें अभी इसके बारे में हम और भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि वही इसमें सारा चीज जो उनके सुधार है तो बैंकिंग सेक्टर के वही सारी चीजें इसमें से बताई गई हैं, जिसमें वही जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए व्यापक स्वायत्तता प्रस्तावित की गई थी, वही इसमें उन्होंने सुझाव देते हैं, ठीक है। समिति ने जो बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिए सिफारिश की थी तो उनके लिए रोकते हैं, ये सारी चीजें क्या है ये इन्हीं के नेतृत्व में की जाती हैं, ठीक है। देखिए बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित कुछ समितियां हैं, इन समितियों से स्टेट सिविल सर्विस खासकर काफी उत्सुक रहता है क्वेश्चन पूछने के लिए, पिछले वर्ष भी यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो इनको जरूर लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ यूपीपीएससी की बात चेक कर लीजिएगा, करीब जो इसी टाइम जो अभी पेपर हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा, इसी टाइम जो पेपर हुआ था 2019 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नरसिम्हम समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा जैसे कि मैंने इसमें से बैंकिंग सुधार से संबंधित अभी आपको सारे नरसिम्हम समिति के सुधार उनने क्या क्या सुझाव दिए सारे मैंने सुझाव बताए। चलैया समिति जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे कर सुधार, तो चलैया समिति के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि इनने क्या क्या सुझाव दिया। अब जैसे हम बीओपी पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, जो बीओपी है बैलेंस भुगतान भुगतान संतुलन, तो रंग राशन समिति बीओपी यानी भुगतान संतुलन से संबंधित है। वहीं इसमें से जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला यानी सिक्योरिटी जो इस टाइम है उससे संबंधित, उसके लिए ये रिफॉर्म की बात करेगा। अब स्वामीनाथन समिति ये बहुत पॉपुलर है ऑलरेडी और खासकर ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है खासकर स्टेट सिविल सर्विस का, ठीक है,
ध्यान रखिएगा। तो ये जो जनसंख्या समिति है, जनसंख्या समिति ये किससे, जब मैं आपको जनसंख्या पढ़ाऊंगा तो वहां स्वामीनाथन समिति के बारे में और इनके क्या सुझाव है, इनके सुझाव लागू किए गए हैं तो उससे क्या असर हुआ है। जो महालनोमिस, हम नेशनल इनकम और बीमा सुधार, ये सारे सेक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कि देखिए बैंकिंग सेक्टर पढ़ रहे थे ना, तो नरसिम्हम समिति के बारे में हमने बात करी, ध्यान रखिएगा। जब हम क्या पढ़ रहे थे, हम नरसिम्हम समिति बैंकिंग सेक्टर, तो हमने नरसिम्हम समिति, इसी तरह हम सारे सेक्टर्स को पढ़ेंगे और बारी बारी से इनके सुझाव को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से मेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीटी में प्रश्न क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और खासकर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन समितियों से कि भाई बताओ कि नरसिम्हम समिति के जो सुझाव हैं, क्या भारत पर, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो जैसे नरसिम्हम समिति के आपको मैंने सुझाव बताया कि आप नरसिम्हम समिति के सुझाव हैं, उनके सुझाव भारत पर कितने कारगर हैं, क्या बैंकिंग व्यवस्था के इनके सुधारों के बैंकिंग व्यवस्था में किसी प्रकार का रिफॉर्म हुआ है, ये सारी चीजें आपको जब जो इंटरव्यू का परीक्षा यानी इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सुधार से संबंधित है, जो आरआरबी से संबंधित है। सज्जन समिति मुस्लिमों की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो पूरा हमारा क्लास होगा, सज्जन समिति के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा। और जब मैं, ध्यान रखिएगा, जब मैं समाज यानी वित्तीय समावेशन और क्या है समावेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये सारी जो सज्जन समिति है इसकी रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव सुझाए गए हैं उनको डिटेल से, और मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं भूल जाऊं तो भी बता दीजिएगा। इसमें इस समिति, ये सज्जन समिति, ये पूरी तरीके से सामाजिक व्यवस्था को, हमारी कितनी क्या चीजें हैं, कितना पिछड़ापन है पूरा खोल के, आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को खोल के रखती है, और फिर एक्चुअल में पता चलता है, हालांकि सज्जन समिति के सुझाव को लागू नहीं किया गया है, खासकर ज्यादातर सुझाव को लागू नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली कुछ सुझाव लागू हुए हैं सज्जन समिति के, लेकिन आप देखो कि इनकी समिति बहुत विस्तारित है, इनकी समिति का इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, ये पीपी के लिए खुसरो समिति कृषि से, कृषि शाख से संबंधित है। दामोदरन समिति, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो हम खुसरो समिति बताऊंगा। बैंकिंग सेवाओं में सुधार से संबंधित दामोदरन समिति, गोपीनाथ समिति और नचिकेत मोर समिति, जब वित्तीय समावेशन, अगेन मैं पढ़ाऊंगा वित्तीय समावेशन में नचिकेत मोर समिति, ठीक है ना, गोपीनाथ समिति, जब ये राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक वगैरह ये फंड पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बताऊंगा। ओके, अब हमें अगला देखना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। स्टार्टिंग में जब मैंने ही क्लास स्टार्ट करी थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये है क्या, इसको थोड़ा सा और हम समराइज कर देता हूँ। देखिए कुछ क्षेत्रों में आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का हिस्सा बना रखा है, जो कुछ क्षेत्र हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों का विस्तार और विकास पूरे देश के लिए विकास के उद्देश्य से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इन क्षेत्रों के लिए कुछ आरबीआई ने जैसे कि क्लासिफाइड कर दिया है कि कृषि से संबंधित यानी जो हॉर्टिकल्चर और ये जो फिशरीज, ये सारी चीजें क्या होंगी, इससे संबंधित ये प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाएगा। साथ ही साथ देखोगे कि इसमें से जैसे कृषि निर्माण हो गया, बुनियादी बुनियादी निर्माण हो गया, शिक्षा हो गया यानी एजुकेशन, निर्यात यानी क्या हो गया एक्सपोर्ट, ये सारी प्रायोरिटी सेक्टर में। वहीं कम मूल का जो गृह निर्माण है, आपने देखता देखा होगा गृह निर्माण के लिए सरकार फंड करती है और कई प्रकार के वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, वहीं साथ ही साथ कम मूल्य पर गृह निर्माण की प्रक्रिया और एमएसएमई, ठीक है, यानी जो लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां हैं, एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम, इनका वो बदल गया है डेटा, इनको डेटा आपको ये भी बता दूंगा जो अब जब हम एमएसएमई पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सेक्टर क्या होते हैं, ये प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, साथ में वो सेक्टर भी प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, आपको मेंस में पॉइंट लिखने में काम आएगा। जैसे समाज का कमजोर वर्ग है, जैसे कि SC ST जनजाति यानी SC ST, ये सभी समाज का एक वल्नरेबल तबका है, कमजोर तबका है। वही माइनॉरिटीज, ठीक है, तो माइनॉरिटीज कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय भी,
और वही एमएसएमई, आपको तो एमएसएमई खासकर जो नवीनीकरण ऊर्जा में, कोई सामाजिक बुनियादी निर्माण जैसे स्कूल हॉस्पिटल, ये सामाजिक बुनियादी निर्माण है ना। तो यहाँ क्या करना होगा, अगर यहाँ इन सारे क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र माना जाएगा, प्रधानमंत्री, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आपको पता होगा ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। जब हम प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, तो मैं बताऊंगा कि ये ओवरड्राफ्ट क्या है, ये अधिविकर्ष क्या है। बस आप ये जान लीजिए कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रधानमंत्री जनधन वाले खाताओं में उनमें व्यवस्था करी गई है। ये ओवरड्राफ्ट एक तरीके से ऐसा पैसा होता है कि जो आपके बैंक में कुल जमा राशि के ऊपर कुछ एक निश्चित एवरेज उसपे, मतलब जितना जमा है पैसा है आपका, जैसा भी बाकी का वो रहा है, जैसे कि आपकी क्रेडिट रही है, उसके अनुसार इसको अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। तो जो ये ओवरड्राफ्ट पैसा इसी क्षेत्र में आता है, प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। भारत में आप देखोगे कि इन सभी विदेशी बैंकों को जिनकी शाखाएं 20 से अधिक है या 20 है ना, क्या भारत में कार्यरत सभी जितने भी विदेशी बैंक हैं इनकी शाखा 20 या 20 से अधिक है, उन और साथ में सभी भारतीय बैंकों को आरबीआई ने एक नियम जारी किया कि उनके द्वारा जो ऋण दिया जाएगा वो 40% हिस्सा क्या होगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। इस वजह से प्रायोरिटी सेक्टर, जो कि मैंने पहले भी बताया था, तो वो सभी बैंक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो 20 जिनकी शाखाएं विदेशी बैंकों की शाखाएं 20 या उससे अधिक भारत में हैं, उनको भी 40% है, और सभी भारतीयों के लिए 40% क्या है, एक मतलब ये मैंडेटरी है कि उस क्षेत्र में जाना चाहिए। साथ ही साथ वे विदेशी बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं, ऐसे भी बैंक होंगे कि जिनकी शाखाएं 20 से कम होंगी, उनके द्वारा दिए गए ऋण का कम से कम 32% हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में क्या था, इन्हीं क्षेत्रों में ऋण के रूप में जाना था। लेकिन इसके बाद क्या किया गया, इस 32% को, ये 2019 20 जो फिनेंशियल ईयर से पहले की प्रक्रिया है, ठीक है। अब 2019-20 का जो फिनेंशियल ईयर है, इसको जो 32% की ये जो मैंडेटरी सीलिंग थी, ये एक तरीके से उस सीलिंग को खत्म करके 40% इनको भी कर दिया गया है। तो अब आप कह सकते हो कि सभी विदेशी बैंकों को जो भारत में है उनको, वो चाहे 20 से कम शाखाएं हो या उससे अधिक हो, सभी को इस क्षेत्र में 40% क्या करना होगा, ऋण देना होगा, ठीक है ना। इसमें साथ ही साथ आप देखोगे कि इसी क्षेत्र के लिए जो भारतीय बैंकों के लिए जो 20 से ज्यादा शाखाओं के साथ, ठीक है ना, भारतीय बैंकों के लिए जो 20 से ज्यादा शाखाओं क्या है, शाखाओं के साथ कार्यरत है, वहीं विदेशी बैंकों के लिए जो 40% हिस्सों में जो विदेशी बैंक है, तो जो 40% ऋण का हिस्सा होगा ये अलग पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा, वो भारतीय बैंक जिनकी शाखाएं भारत में 20 से क्या है, 20 से कम है, ठीक है ना। वे भारतीय बैंक मिटा देते हैं, नोट डाल के लिख लीजिएगा। वे भारतीय बैंक भारत में जिनकी शाखाएं कितना, 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, इसके साथ साथ इसमें जैसे कि विदेशी बैंकों के लिए, विदेशी बैंकों के लिए भारतीय बैंक और फॉरेन बैंक, ठीक है, जिनकी 20 शाखाएं भारत में 20 से ज्यादा है, ठीक है ना, जिस शाखा, तो इनके लिए जो टोटल दिया गया ऋण है 40% में, 18%, इस 40% का मात्र एक सेक्टर में जाना चाहिए, एग्री सेक्टर। ये टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, 40% का 18% मात्र एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो 32% की सीलिंग थी समाप्त कर दिया गया है, अब वो भी 40% हो गया है, ठीक है, अब 40% क्या है, हो गया है 2019-20 से। तो ये सारी चीजें, ये आपको क्या है, इसके अंतर्गत जो मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बताया, इस क्षेत्र को बताया और इस क्षेत्र में दिया जाने वाले ऋण को बताया।
अगला है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी इसको क्या कहते हैं, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, एनपीए क्या है। खूब आपने सुना होगा एनपीए के बारे में, तो जरा एनपीए के बारे में बात। एनपीए क्या है, हालांकि इसमें चलिए लिखा है, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है, फिर वहां पे हम समझ लेंगे, है ना। देखिएगा एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। गैर निष्पादन मतलब निष्पादन नहीं हो रहा, कोई आउटकम नहीं निकल रहा, गैर निष्पादन परिसंपत्ति। गैर निष्पादन परिसंपत्ति, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं एनपीए की, तो ये बैंकों द्वारा, ध्यान रखिएगा, बैंकों द्वारा दिए गए उस ऋण को कहा जाता है जिस पर मूलधन, ध्यान रखिएगा, जिस पर मूलधन या ब्याज का लगातार 90 दिनों तक कोई प्रकार का रिटर्न ना हो, लगातार 90 दिनों तक कोई प्रकार का रिटर्न ना हो, यानी बैंकों के द्वारा दिए गए उस ऋण को कहा जाता है जिस पर मूलधन या ब्याज का 90 दिनों तक किसी भी प्रकार से कोई रिटर्न ना हो, उसको क्या कहा जाएगा, एनपीए कहा जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाएगा। ऐसे उदाहरण से समझिएगा, बैंक ये पीएनबी है, ठीक है, पीएनबी से ए नाम के व्यक्ति ने ऋण लिया है, तो इस व्यक्ति ने ऋण लिया है, मान लो 10 रुपए का ऋण लिया है, अगर 90 दिनों तक, ध्यान रखिएगा, अगर 90 दिनों तक इसमें से किसी प्रकार का इंटरेस्ट का, या इंटरेस्ट के साथ साथ इस ऋण पे इंटरेस्ट के साथ साथ मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट का कोई रिटर्न नहीं आता है, कोई क्या है, वापसी नहीं होती है, तो ये पैसा एनपीए कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा। ये बैंकों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये जो 90 दिनों का जो सीलिंग है ये बैंकों के लिए है, लेकिन वही एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी के लिए ये 180 डेज है, एनबीएफसी के लिए ये नियम, ये जो नियम है 180 डेज का है, ठीक है, लेकिन बैंकों के लिए ये नियम कितना है, 90 डेज का है। आप साफ साफ कह सकते हो कि बैंकों के द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी 90 दिनों तक किसी भी प्रकार से कोई वापसी ना हो, उस ऋण को एनपीए कहा जाता है, उस ऋण को क्या कहा जाता है, एनपीए कहा जाता है। ये जो इस 90 दिन के नियम की प्रक्रिया है, ये एनबीएफसी के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी यानी गैर वित्तीय है कंपनियों के लिए, इसको गैर वित्तीय कंपनियों के लिए ये नियम 180 दिन का लगता है। मान लीजिए आप जो गैर वित्तीय कंपनी से आपने किसी प्रकार से फाइनेंस करवाया या कोई लोन लिया, अगर 180 दिनों तक उस लोन को वापस नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन और ना ही ब्याज इंटरेस्ट, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको एनबीएफसी का एनपीए कहा जाएगा, एनबीएफसी का एनपीए कहा जाएगा। एनबीएफसी, ये अब देखिए एनपीए को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं, अमानक परिसंपत्ति, इसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं, क्या है, अमानक परिसंपत्ति, डाउटफुल एसेट्स, संदिग्ध परिसंपत्ति और लॉस एसेट्स। मैंने बोला कि एनपीए को 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला हिस्सा है सब स्टैंडर्ड क्या है, एसेट्स, यानी इसको अमानक परिसंपत्ति कहते हैं, दूसरा है डाउटफुल एसेट्स यानी संदिग्ध परिसंपत्ति, संदिग्ध है, लोग बोलते हैं ना संदिग्ध है डाउटफुल है, तो संदिग्ध परिसंपत्ति और लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स यानी डूबी हुई परिसंपत्ति जो क्या है, लॉस पे चली गई है। तो इनका क्लासिफिकेशन क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए वो एनपीए जिसका 90 दिनों से लेकर के 12 माह तक का पुराना हो जाए, कैटेगरी हम बता देता हूँ ना, फिर हम स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन है तो आप देख लिया करिए ना। देखिए मैंने कहा वैसा एनपीए
मैं आपको यहाँ समझाने की क्यों, स्लाइड में तो सारी चीजें आपके लिए लगाना जरूरी होता है, वो लगी होती हैं, लेकिन उससे आप अगर पढ़ के ही समझ लेना होता तो बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा, है ना, लिखा ही होगा, तो ऑब्वियस है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि लिख लिख के आपको सारी चीजें समझा दूँ, क्योंकि समझना ही तो जरूरी है। एक बार आप समझ गए तो फिर कौन सा प्रॉब्लम है ना। तो मैंने बोला कि इसमें से जो एनपीए है, एनपीए को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एनपीए को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते, वर्गीकृत कर सकते। पहला है सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स को अमानक परिसंपत्ति कहते हैं, अमानक, अमानक परिसंपत्ति अमानक परिसंपत्ति। देखिए जो ये डाउटफुल सॉरी अमानक परिसंपत्ति है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स है, ये वैसा एनपीए है, ये वैसा एनपीए है, एनपीए तो ऑलरेडी हो गया तो ध्यान रखिएगा, ये वैसा एनपीए है जो 90 दिनों से ज्यादा, यानी 90 डेज से क्या है, ज्यादा, 90 डेज से ज्यादा और 12 महीनों से क्या है, कम, 12 महीनों से कम, ठीक है। अगर इतना पुराना हो, 90 दिनों से ऊपर का या 12 महीनों से कम का पुराना हो, पुराना हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहेंगे, ठीक है, यानी अमानक परिसंपत्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, अमानक परिसंपत्ति। ध्यान दीजिएगा, दोबारा एनपीए को सुनिएगा तब ये समझ आएंगे। मैंने कहा एनपीए बैंकों का वो ऋण, बैंकों का वो ऋण जो किसी को ऋण दिया गया है, उस ऋण की ना ही मूलधन और ना ही ब्याज की 90 दिनों तक कोई वापसी ना हो, उस पैसे को एनपीए की कैटेगरी में रखा जाएगा। यही सेम चीज 180 दिन का नियम एनबीएफसी के लिए लगता है, बल्कि वहां जो 90 दिन का नियम है वो एक्सटेंड करके एनबीएफसी के लिए, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उनके लिए कितना, 180 दिन का लगता है। एनपीए को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स और मानक परिसंपत्ति कहते हैं, दूसरा डाउटफुल एसेट्स, तीसरा क्या होता है, लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स या अमानक परिसंपत्ति ये वैसा एनपीए होता है जो 90 दिनों से ज्यादा का हो और 12 महीना से पुराना का हो, पुराना हो, वैसे एस एनपीए को हम क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं, अमानक परिसंपत्ति, ठीक है। दूसरा देखिएगा, पहले दूसरा देख लीजिए, तो कहते हैं डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट्स, एसेट्स संदिग्ध परिसंपत्ति, क्या कहेंगे इसको, संदिग्ध, संदिग्ध परिसंपत्ति, संदिग्ध परिसंपत्ति, ठीक है। जो डाउटफुल एसेट्स है ये वैसा एनपीए होता है, ये वैसा एनपीए, वैसा एनपीए जो 12 माह से, ध्यान रखिएगा, 12 माह से ज्यादा, 12 माह से क्या हो, ज्यादा और 3 साल से पुराना, 3 साल से कम का, यानी 12 माह और जैसे 36 माह कर, ठीक है। अगर इतना पुराना है ये, इतना पुराना है, ठीक है, यानी ये डाउटफुल हो गया, इसके लौटने के चांस काफी कम है, लौटने के चांस काफी कम है, ये डाउटफुल हो गया, ऐसे एनपीए को, यानी जो 12 माह से 36 माह तक का पुराना हो, वैसे एनपीए को डाउटफुल एसेट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट्स, ठीक है ना। तीसरा है लॉस एसेट्स,
लॉस्ट एसेट्स यानी डूबी हुई परिसंपत्ति, नाम से ही पता चलता है डूबी हुई परिसंपत्ति, डूबी हुई परिसंपत्ति, डूबी हुई परिसंपत्ति। वैसा एनपीए, कैसा एनपीए, जो 36 माह से क्या हो, ज्यादा का हो गया हो, अर्थात पुराना हो गया, पुराना हो गया। ऐसी परिसंपत्ति को लॉस एसेट्स कहते हैं, ऐसी परिसंपत्ति को लॉस एसेट्स कहते हैं, यानी डूबी हुई परिसंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? डूबी हुई परिसंपत्ति कहते हैं। इसका टाइम पीरियड को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बोला जो एनपीए जो पहली कैटेगरी में आता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में आता है, वैसा एनपीए इसके अंतर्गत आएगा जो 90 दिनों से ज्यादा का हो, अर्थात 12 माह से क्या हो, पुराना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये डेज है और ये मंथ है ना, ये मंथ है और ये, तो इसमें आप 3 माह लिख लीजिए अगर। चलिए मैं इसमें से 3 माह लिख दूं वरना आप कहीं से कंफ्यूज ना हो जाए ना। 90 दिन 3 माह एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, 90 दिन और 3 माह एक ही बात है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 3 माह ये सब माह है, माह माह। ठीक है, अब हाईलाइट कर देता हूँ। अगर ब्लैक से ब्लैक हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं है। चलो देखिए, अगर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहली श्रेणी में आता है, जो सब स्टैंडर्ड इसको कहते हैं, जो 3 माह से 12 माह तक का पुराना हो, इसको क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। डाउटफुल एसेट जो 12 माह से 36 माह तक का पुराना हो, इस सॉरी हाँ, इसको डाउटफुल एसेट्स कहते हैं, इसको सब स्टैंडर्ड कहते हैं। जो 36 माह से पुराना हो, ये 36 माह से अधिक का हो, उसको क्या कहेंगे, उसको डूबा हुआ परिसंपत्ति लॉस एसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉस एसेट्स कहेंगे। तो आपने यहां तक देखा, तो इनके लिए अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बताया जो परिसंपत्ति की ये एनपीए की कैटेगरीज है, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा। अब देखिए, एनपीए में अगर कोई भी जो हमारी परिसंपत्ति है अगर परिवर्तित हो जाती है, तो इससे जो जमा करता है, जमाकर्ता को एक तरीके का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा तो हम आम लोगों का जमा है। अच्छा, पैसा हम आम लोगों का जमा है, दूसरी भी क्लास है, टाइम देखना। ओके, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, क्योंकि जस्ट 10 मिनट बाद 2 बजे से क्लास है मेरी। थैंक यू वेरी मच।